हम पढ़ते हैं क्लास 12th का जो प्रश्न चल रहा है 7.1 समाकलन, उसमें हमने आपको 19 तक का क्वेश्चन 7.1 का 19 तक का क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आप नहीं देखे तो कृपया पहले लिस्ट जाकर आप देख लीजिए। आज उसके आगे क्वेश्चन करेंगे और यहाँ तक प्रश्न खत्म भी हो जाएगा। आपको देखिए, आपको आज 20 और 21 करेंगे जो बहुत आसान भाषा में करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात आता है कि सर ये 20 नंबर को देखिए, 20 नंबर आपको दिया है समाकलन 2-3 साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी कह रहा है कि डी एक्स से सापेक्ष आपको इसका समाकलन करना है। तो हमने बताया कि जब भी बाटा में हो तो बाटा वाला चीज़ का समाकलन नहीं हो पाता है, उसको हटाना पड़ता है बाटा को। तो हमने बाटा को हटाने के लिए तरीका बताया है कि बाटा का मतलब क्या, दोनों के या बाटा का मतलब दोनों के नीचे है ना, इसको अलग अलग खंडित कर दीजिए कीजिएगा तो आपको 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू साइन आपको क्या जाएगा, साइन बटा आपको कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आई इंटू में डी एक्स है तो डी एक्स। अब इसको अलग अलग खंडित कीजिएगा तो समाकलन हो जाएगा, या आपको देखिए यह 2 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। अब माइनस या आपको हो जाएगा समाकलन 3 sin / sin x / cos² x हो जाएगा आई इंटू डी एक्स है तो डी एक्स। बहुत सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए हम जानते हैं 2 cos² में बटा में इसको ऊपर भेज सकते हैं, क्या हो जाएगा आपके जैसे 2 sec² x हो जाएगा ना, आसान है। उसी तरह आप देखिए sin / cos तो आपके जैसे sin / cos तो 10θ होता है, 10x हो जाएगा ना। तो देखिए sin / cos हुआ है, अब इसके बटा में अभी कॉस बचा हुआ है क्योंकि cos² x है, तभी एक कॉस बचा ना, तो ऑन देखिए इसको sin / cos तो 10 हो गया, अब बटा में कॉस बचा तो कॉस को बदल दिएगा इंटू मैनी सिंपल फॉर्म तो हो जाएगा sec, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 1 बटा cos बचा हुआ है तो किसका बराबर होता है, sec किसका बराबर होता है ना। तो हमने sin / cos तो कर दिया हमने 10, अब बचा बटा में एक कॉस बचा तो वो बदल गया किसमें, sec। अब वो सिंपल यहाँ से 2 कमन कर लीजिए तो यहाँ पर बचा sec² x dx हो जाएगा, माइनस यहाँ से 3 कमन कर लीजिए तो आपको 10x * sec² x हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका समाकलन कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, अब आसानी से देखिए sec² को क्या होता है, तो आपके सर sec² का इसका तो 10x होता है ना, बिल्कुल। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब देखिए 10x * sec² का समाकलन क्या होता है, आपको सूत्र याद होगा 10 × sec का समाकलन होता है sec, क्या होता है sec होता है, आइए प्लस आपको सी जुड़ेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीका से आपको बना हुआ है, और थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम हो रहा था आप कमेंट करें, ठीक है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन को, ठीक है आगे के क्वेश्चन को देखिएगा ना तो ये और सिंपल हो जाएगा, कैसे आइए देखते हैं। और इस पार्ट को बनाइएगा तो सबसे पहले आप इसको हल करना होगा, तो देखिए या इसको भी अलग अलग करके हल की तो सबसे सुपर हो जाएगा, कैसे एक्स या √x dx हो जाएगा, प्लस या आपको 1/√x dx हो जाएगा ना। आप इसको क्या कीजिए कि सबसे पहले रूट को हटा लीजिए, इसको हटाइएगा तो x^(1/2dx) हो जाएगा, प्लस इसको हटाइएगा तो आपको हो जाएगा 1/x^(1/2dx) हो जाएगा ना। अब बेचारा यह तो हो जाएगा x^(1/2dx) प्लस इसको बटा में ऊपर भेज लीजिए तब पावर माइनस में हो जाएगा, जानते अच्छी dx। अब आसानी से इसका आप समाकलन कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या हो जाएगा समाकलन, इसका समाकलन आपको हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, बनाइएगा तो अभ्यास बढ़ेगा तो आपको बनाने का तरीका कि नए नए तरीका से निकल पाएगा। देखिए आप कीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, पावर झुकता है ना जोड़ दीजिए, यह भी हो जाएगा x^(1/2+1) हो जाएगा ना। उसी तरह इसको कीजिएगा तो आपको हो जाएगा x^(-1/2+1) बटा x^ यहाँ पर हो जाएगा क्या, पावर जुटेगा ना 1/2 यानी माइनस रहेगा प्लस 1। आप इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देख सकते हैं इसको कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो x^(2 = 2x जोड़ देंगे यानी x^(3/2) हो जाएगा, बटा यह भी आपको 3/2 हो जाएगा, आपको प्लस है तो प्लस। अब इसको कीजिए तो x^(2 = 1 में उड़ा ऊपर वाला घटाएंगे क्योंकि माइनस लगा है, तो देखिए 2 × 2 में से घटे यानी 1/2 हो जाएगा, यह भी घटेगा तो आपको 1/2 हो जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, पलटिएगा तो हो जाएगा 2/3 x^(3/2) प्लस हो जाएगा आपको 2 × x^(1/2) हो जाएगा ना, आसानी से हो जाएगा, यहाँ तक तो आप आसानी से बना लिए होंगे, आप प्लस क्या हो जाएगा सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि और देखिए पार्ट बाय पार्ट पढ़िएगा तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब कल से हम लोग इसका 7.2 पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।